आम आदमी पार्टी ने डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के मूहरे रोस मुजहरा करते हुए वजीफा घोटाले च फसे कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसूत नूं तुरंत बर्खास्त करके मंत्री अते पूरे वजीफे घोटाला गिरोह खिलाफ फौजदारी मामला दर्ज करने की मांग की है। रोस धरने की अगवाई पार्टी के सीनियर आगुआ तलवंडी साबोको तो विधायक प्रोफेसर बलजिंदर कौर अते होरना आगुआ की अगवाई हेठ आयोजित रोस धरने दौरान कांग्रेस सरकार विरुद्ध जोरदार नारेबाजी करते हुए साधु सिंह धर्मसूत के नाल मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला फूकया गया। इस उपरंत पंजाब के राजपाल के नाम जिला प्रशासन को आम आदमी पार्टी वालों मंग पत्र भी सौंपया गया। आप आगुआ ने कहा कि साधु सिंह धर्मसूत लखां होनहार दलित विद्यार्थियों के भविख का कातल है। धर्मसूत खिलाफ वधीक मुख सकत्र वालों जिन्हें दस्तावेजी सबूतों नाल सरकार नूं जांच रिपोर्ट सौंपी है उसकी गंभीरता नूं देखते हुए यह भ्रिष्ट मंत्री साधु सिंह धर्मसूत नूं 5 मिनटां च मंत्री मंडल चो बर्खास्त करके मुकदमा दर्ज कर देना चाहिए है। ये यही मंगा है जो धर्म सिंह साधु सोत धर्मसोत ने साधु सिंह धर्मसोत ने इतने गरीबों का वजीफा खाधा लोड़वंद बच्चों का वजीफा खाधा हैगा। अज आम आदमी पार्टी इन्हों के विरुद्ध सरकार के विरुद्ध क्योंकि कैप्टन साहब भी अपने मंत्री बर्खास्त नहीं कर रहे उहदे विरुद्ध अज प्रदर्शन है इत्थे राजे अमरिंदर दा अते नाल साधु सिंह धर्मसोत दोनों के पुतले आम आदमी पार्टी जिला मानसा वालों मचाए जाणगे अते नाल ही असी सरकार नूं भी संदेश देना चाहांगे भी जिन्नी जल्दी हुंदा है तुसीं धर्म सिंह साधु सोत नूं बर्खास्त करो जेकर नहीं कर दिता इह संघर्ष नूं होर तिखा कीता जाएगा अते उस मंत्री नूं उसदे अहुदे तों लहा के ही आम आदमी पार्टी दम लवेगी। शामिल होए हो ते की कहना जी की मंगा आम आदमी पार्टी का जोड़ा प्रोटेस्ट पूरे पंजाब भर के पिछले 5-6 दिन तो क्योंकि जोड़ी सरकार बड़े बड़े दावे करती है बड़े बड़े लोगों के नाल ये करती है भी असी 3.5 सालों के कर दिता वो कर दिता सो अज सरकार जी खोखली खोखलापन नज़र आ रहा है जिते सरकार एंटी किसान साबित हुई है जिते सरकार एंटी स्टूडेंट साबित हुई है अज सरकार का एंटी दलित पक्ष सामने आया एंटी एजुकेशन पक्ष सामने आया क्योंकि जी सरकार दे करप्ट मिनिस्टर बैठे हूँ 64 करोड़ अपने आप के अमाउंट मंडी रख ली है 64 करोड़ गरीब बच्चों का खा जाना गरीब बच्चों का हड़प जाना और गरीब बच्चों का जी राशि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट होनी सी और उही मिनिस्टर जिहड़े विधानसभा च खड़े होकर कहें भी अकाली दल वेले का 1200 करोड़ रुपया आया और अकाली दल भी बैठ के अज मैं कहने सड़कों के ड्रामे कर रहा है बैठ के अज धरने मुजारे ला रहा है भाई पहला जे रिकवर करवाना है तो आपके टन्योर का जो 1250 करोड़ का घपला पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का होया उन्होंने रिकवर कराओ। सो धर्मसोत जी वो मिनिस्टर ने जोड़े खड़े होकर दावे करते अज अपना नाम 64 करोड़ की राशि के घपले के बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट लगातार जारी रहेगा और साड़ी मंग आ कि इस करप्ट मिनिस्टर को तुरंत जोड़ा बर्खास्त किया जाए और 64 करोड़ की अमाउंट लोगों के स्टूडेंट्स के डिस्ट्रीब्यूट की जाए उन्होंने वंडी जाए और क्योंकि पिछले 3.5-4 साल के कार्यकाल का सरकार का 1850 करोड़ रुपया बाकी पेंडिंग पाया जोड़ा स्टूडेंट्स का बढ़ रहा और जिते बहुत सारे वादे किए थे एक वादा यह भी किया असं सारे का सारा पैसा जोड़ा आनू लोगों के वंडांगे और टाइम सिर वंडांगे और सारी अमाउंट वंडांगे अज 3.5-4 सालों तो सारी अमाउंट ड्यू पाई है। सो आम आदमी पार्टी यह मंगा लैके सड़कों से उतरी हुई है भी करप्ट मिनिस्टर तुरंत सरकार जी बर्खास्त। प्राइम मुद्दे मानसा तो कार्तिक शर्मा आजाद की रिपोर्ट।